कोई भी जो जरूरत हो उसको पूरा करते हैं, है ना। जो हमारी सरकार होती है वो काम हमारे लिए काम करती है, हमारे लिए कल्याणकारी काम करती है। कैसे करती है? सड़कें बनवाती है ना, कुएं खुदवाती है, सिंचाई की व्यवस्था करती है, रोजगार प्रदान करती है और सब्सिडी देती है और उसके अलावा क्या, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन तमाम देती है। ये सब किस लिए देती है? हमारे कल्याण के लिए। यही जो है कल्याणकारी सुविधाएं हैं और इसका हम जिसमें अध्ययन करते हैं वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहलाता है, वही उसी को ही हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखो कल्याणकारी अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले कई अर्थशास्त्री हैं, तो इसमें सबसे पहले सिटोवस्की हैं। सिटोवस्की ने कहा कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह भाग है जो मुख्यतया नीति से संबंधित है ना। क्या कह रहे हैं? अर्थशास्त्र का वो भाग है जो नीति से संबंधित है। और नीति क्या होती है? नीति किसकी होती है? नीति सरकार बनाती है, कौन बनाती है? नीति सरकार बनाती है। और ये सरकार जितनी नीतियां बनाती है वो सारी नीतियां कल्याणकारी होती है ना। ऐसी कोई बनाता है जिससे हमारा कल्याण ना बनाता है? हाँ, कभी कभी बना, जैसे टैक्स बढ़ाते हैं, हाँ, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, है ना, वो सरकार के लिए कल्याणकारी। लेकिन वो टैक्स बढ़ाता इसलिए है ताकि वो उसको ले करके जिनके पास पैसा ज़्यादा है वहाँ से ले करके जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे कम हैं उनके पास उसको पहुँचा सके, इसलिए टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि सरकार को ही ये सब देखना है, आय व्यय जितना भी है सारे का सारा ब्यौरा सरकार को देखना है, सारे का सारा सब कुछ सरकार को देखना है। और दूसरे अर्थशास्त्री हैं रेडर हैं। रेडर कह रहे हैं कल्याणवादी अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों के लिए औचित्य के मानदंड को स्थापना तथा प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। तो कुल मिला के बात वही है जो सिटोवस्की ने कहा कि नीति से संबंधित है, इन्होंने कहा आर्थिक नीतियों से संबंधित है जिसको हम प्रयोग करते हैं। हमारे लिए आर्थिक क्रियाएं करती है और उसका प्रयोग करती है। प्रयोग करती है मतलब जैसे ये कहा कि सड़कें बनवाना है, तो सड़कें बनवाना है नहीं बल्कि सड़कें बनवा के दे दिया। हमें बेरोजगारी भत्ता देना है नहीं बल्कि दिया जा, तो ये जो है रेडर कह रहे हैं। और एक बात और बता दें, परेटो का हम लोग पढ़ते हैं परेटो अनुकूलतम, इसको आगे पढ़ेंगे परेटो ऑप्टिमलिटी। तो परेटो का जो अनुकूलतम सिद्धांत है वो कहता है कि सबका भला करो। क्या? सबका भला करो, मतलब ऐसी नीतियां लगाओ जिससे सबका भला हो, ना सरकार को दिक्कत हो और ना हमें दिक्कत हो। जैसे अभी मैंने टैक्स की बात किया, तो जैसे हमें सरकार ने टैक्स लगा दिया, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया और इनको क्या कर रहा है, इनको यहाँ पे कल्याणकारी काम करना है, तो ये कल्याणकारी काम ये करेंगे। तो टैक्स इतना अगर लगा दिया जाए कि हमें तकलीफ हो जाए, मान लो हम 5,000 रुपये कमा रहे हैं और हमें 10% टैक्स लगा दिया, तो अब 10% टैक्स में हमें 500 को देना पड़ गया, हमारे पास बचे कितना, 4,500, है ना। और ये 5,000 पे 10% सरकार को ज़्यादा मिल रहा है, तो हमें तकलीफ हो गई, कल्याण इन पर ज़्यादा भले हो रहा लेकिन हमें तकलीफ हो गई। तो क्या कहते हैं परेटो कहते सबका भला करो, तो ये टैक्स घटा दिया जाए तो हमारा भी भला हो जाए, इनका भी भला हो जाए, है ना। तो इसको 10 की बजाय 5 कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, तो जिससे हमारा भी भला हो और इनका भी भला हो, तो ये परेटो अनुकूलतम कहता है।
अब अनुकूलतम मतलब बराबर, सबको बराबर बराबर मिला, तो वही है, उसी को कहते हैं सबका भला करो। ये परेटो अनुकूलतम है। तो अभी हम परेटो अनुकूलतम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग केवल ये जानना चाह रहे हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अब हमने कल्याणकारी अर्थशास्त्र जान लिया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के उद्देश्य क्या है, अब इससे हम और ज्यादा समझ जाएंगे, है ना। अगर हम उनके उद्देश्यों को समझ लें तो उद्देश्यों के आधार पर हम और ज्यादा समझ जाएंगे कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। तो पहला है, यह आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने वाले उपायों और साधनों का अध्ययन करता है। यह आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने वाले उपायों और साधनों का अध्ययन करता है। आर्थिक, चलो ऐसे लिख दीजिए, बता देते हैं, आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने वाले उपायों और साधनों का अध्ययन करता है। ये देखो सरकार, हमें जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमसे टैक्स लेता है और वो बाकी गरीबों के लिए काम करता है, तो वो सरकार अपने पास ना बचाए, अगर सरकार अपने पास बचा लेगा तो ये 5% का कुछ हिस्सा अगर ये अपने पास बचा लेता है तो कल्याणकारी काम कम कर पाएगा, है ना, कल्याण कम हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार यहाँ अपने पास कम बचाए और कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च करे तो कल्याण हमारा क्या होगा, अधिकतम होगा, और जो ऑप्टिमैलिटी है, जो अनुकूलतम है, उसी को ही हम अधिकतम कल्याण कहते हैं। ठीक है, अधिकतम कल्याण वही होता है जहाँ पर परेटो अनुकूलतम होता है, अर्थात जिसको हम ये कहते हैं कि सबका भला करो, है ना, ऐसा कल्याणकारी काम करो जिससे सबका भला हो, तो वही अधिकतम कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहलाता है, वही अधिकतम कल्याण होता है। ठीक है, यही आर्थिक कल्याण से तात्पर्य उस संतुष्टि से है जो समाज के व्यक्तियों को विभिन्न सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। सरकार जो कह रहा है कि आर्थिक कल्याण जो है, अधिकतम आर्थिक कल्याण उसे ही कहते हैं जो कि सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के उपभोग से प्राप्त करते हैं, है ना। अगर जैसे सड़कें बनी हैं तो हम सड़कों का यूज कर रहे हैं, यूज करना वही है उपयोग करना या उपभोग करना। ठीक है, तो अगर हम अधिकतम हमारा तभी होगा जब सरकार की प्राप्त योजनाओं का हम अधिकतम प्रयोग करें, उसको उपभोग करें, तो यही हमारा अधिकतम होगा। अब जैसे मान लो किसी को कॉलोनी मिले, खाने नहीं मिले, तो वो हमारे लिए कल्याण थोड़ी है ना, वो तो जिसको मिला है उसको, तो जब हम यूज करेंगे तब हमारा कल्याण अधिकतम होगा, यूज नहीं करेंगे तो कल्याण कहाँ से अधिकतम होगा। तो यही है अधिकतम सामाजिक कल्याण। ठीक है, और यह उन दशाओं को बताता है जिसके द्वारा यह मालूम होता है कि एक वातावरण में दूसरे वातावरण की अपेक्षा व्यक्ति अधिक या कम या बराबर संतुष्ट है। कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कभी व्यक्ति ज्यादा संतुष्ट है, कभी यह हो सकता है व्यक्ति कम संतुष्ट, या ऐसा भी हो सकता है कि बराबर है। तो जब बराबर होता है तो अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, वही परेटो ऑप्टिमैलिटी कहलाता है, उसी को परेटो अनुकूलतम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होता है, जो कल्याण होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमम या अधिकतम वही कहा जाएगा जहाँ पे बराबर। ठीक है, और यह उन दशाओं को भी बताता है जिनसे हम यह जान सकते हैं कि संपूर्ण समाज का आर्थिक कल्याण एक समयावधि में दूसरी समयावधि की अपेक्षा बढ़ा है या घट गया है। जैसे हम पिछले साल की तुलना में अभी करें तो ये देखें कि अभी कल्याण घटा है या बढ़ा है, ना, तो एक समय में क्या था कल्याण और दूसरे समय में कल्याण क्या है, तो ये जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है वो इस इन सबको बताता है कि जो पहले कल्याण था वो ज्यादा था या जो अब कल्याण है वो कम है, या अब ज्यादा है पहले कम था, है ना, ये
कितना भी करता है, जो कल्याण था वो पहले कितना था और अब कितना, तो वो उन समय समयावधियों का भी जिक्र करता है, समयावधियों का भी अध्ययन करता है। तो ये हो गए आपके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्या उद्देश्य। तो इससे हमें लगता है कि ज्यादा समझ में आ गया होगा। हाँ आ गया।